गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे इज आर हिस्ट्री क्लास, ठीक है। एंड वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, विच इज़ द चैप्टर नंबर 7, ठीक है। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना चैप्टर कोलोनाइजेशन, ठीक। नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, ओके। व्हाट इज़ द फर्स्ट टॉपिक? अ फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ द 19th century, ठीक। अब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में इंडियन इंडस्ट्री का जो डिस्कशन होगा, ठीक है, और उनके हालात जो थे ऑन द ईव ऑफ 19th century, ठीक। जब 19th century एंड हो रही थी तो क्या उनकी स्टेटस थी इंडियन इंडस्ट्रीज की, ठीक है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन सब के हम केस स्टडीज करेंगे कि इनके क्या स्टेटस था, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ 19th century, 19th century के ईव में, ठीक है। एट द एंड यू कैन से व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। इन द 17th and 18th centuries इंडिया वाज नॉट एन इंडस्ट्रियल कंट्री एज सच, ठीक है। 17th और 18th century में इंडिया कोई भी इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं थी, बट By the standard of those days, before the arrival of the European, India was the industrial workshop. अब इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें goods मिलते थे, ठीक है, यहाँ पे raw materials easily available थे, so industry के लिए ये as a workshop stand करती थी, ठीक है। Three kind of industry existed in India. First is the rural cottage industry such as weaving, pottery, carpentry, etc., which provided for day-to-day requirements of the agriculture in the village. ठीक है, first industry was rural cottage industry. The second one is the urban domestic industry producing various products such as fine textiles for the use of townsfolk and carried on by family members, पॉसिबली इन अ रूम इन द हाउस विद द फैमिली लिव, ठीक है। ये अर्बन डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, मगर ये एज सच कोई बहुत बिग इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है। इट यूज़ टू बी कैरिड आउट इन द रूम इन अ हाउस, ठीक है। और इसमें क्या करते थे? इसमें फाइन टेक्सटाइल्स को बनाते थे, ओके। नाउ थर्ड, द स्मॉल अर्बन फैक्ट्री और द रॉयल कारखानास विच प्रोड्यूस लग्जरी आइटम्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स such as silks, chintz, muslin, jewelry, ivory, etc. for the royal household and the world market. अब ये क्या करते थे? Small urban factory और royal कारखाना, ये बनाते थे silk, chintz, muslin, jewelry, ivory, और ये किस लिए बनाते थे? Royal households के लिए, ठीक है, royal लोगों के घर के लिए और world market के लिए, ठीक। तो ये तीन टाइप की इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती थी इन इंडिया इन द 17th and 18th centuries, रॉयल कॉटेज इंडस्ट्री, अर्बन डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड स्मॉल अर्बन फैक्ट्री, ठीक है। द अर्बन फैक्ट्री ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century वॉज मेनली इन द नेचर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, प्रोड्यूसिंग फाइन टेक्सटाइल और अदर लग्जरी प्रोडक्ट फॉर द एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अब जो अर्बन इंडस्ट्री में क्या था 19th century की बिगनिंग में, ये ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट के टाइप को बनाते थे, ठीक, जैसे कि फाइन टेक्सटाइल या अदर लग्जरी प्रोडक्ट। और ये किसके लिए बनाया जाता था? एरिस्टोक्रेट्स के लिए, ठीक है। टेक्सटाइल सच एज कॉटन, सिल्क एंड वुलन प्रोडक्ट वर सॉट आफ्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। द मसलिन ऑफ ढाका, कारपेट्स ऑफ लाहौर, शॉल्स ऑफ कश्मीर एंड द एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बनारस वर वेरी फेमस, ठीक है। अब ये जो कॉटन, सिल्क और वुलन के प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि मसलिन ऑफ ढाका, कारपेट्स ऑफ लाहौर, शॉल्स ऑफ कश्मीर, ये सब ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वर वेरी फेमस, ठीक है, और दे वर सॉट आफ्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड दे यूज टू लुक फॉर दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। आइवरी गुड्स, woodworks and jewelry were other widely sought after Indian commodities. ये ivory goods, woodworks और jewelry भी other commodities थी that were very famous.
द अर्बन इंडस्ट्री ऑक्यूपाइड अ वेरी फेवरेबल एंड इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन इंडियाज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाई द 1750s विद द अराइवल ऑफ द आउटसाइडर्स द इंडियंस स्टार्टेड लूजिंग देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेड एक्टिविटीज फॉलोइंग वर सम फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। ठीक है, अब 17th और 16th सेंचुरी में इंडिया की ट्रेड सेक्टर इट वॉज वेरी फेवरेबल। ठीक है, इट वॉज वेरी फेमस। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल यूज टू सॉर्ट फॉर देम, मगर जब यूरोपियंस आए इन द 1750s तो उनका जो ये ट्रेड सेक्टर था देयर लॉस्ट इट्स इम्पॉर्टेंस। ठीक है, और इंडिया लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर देयर ट्रेड एक्टिविटी बिकॉज द यूरोपियन टुक कंट्रोल ओवर इट। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स थे विच लेड टू द लूज ऑफ कंट्रोल ओवर द ट्रेड एक्टिविटी। ठीक, और यूरोपियन ने उसे अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, नाउ द फर्स्ट फैक्टर, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंपनी हैड ह्यूज रिसोर्सेज सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू फेस द कॉम्पिटिशन। ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया, यूरोपियन कंपनीज के पास बहुत ही ह्यूज रिसोर्स थे, उनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो इंडियन मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स उन्होंने बहुत फेस किया कॉम्पिटिशन एंड दे वर नॉट एबल टू कीप अप विद द कॉम्पिटिशन। ठीक है, नाउ सेकेंड फैक्टर, द यूरोपियन कंपनीज वर गेनिंग पावर बाय सिक्योरिंग अ वैरायटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स। ठीक है, यूरोपियन जो कंपनी थी उनके पास कई सारी पावर आ गई थी, देवर गेनिंग पावर, कैसे पावर गेन कर रहे थे, बाय सिक्योरिंग अ वैरायटी ऑफ कंसेशन, लोकल कोर्ट से वो कंसेशन पाके देवर गेनिंग पावर। ठीक है, तो द ट्रेड कंपनीज वर लूजिंग देयर इम्पॉर्टेंट एंड पावर। ठीक है, द सेकेंड टॉपिक इज डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रू इन ब्रिटेन। ठीक, अब यूरोपियन यहाँ पे आ गए तो ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्टेड टू ग्रो विच अफेक्टेड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनी वेज। ठीक है, अब वहाँ पे ग्रोथ हो रही थी तो यहाँ पे इट वॉज एडवर्सली अफेक्टिंग द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द कैलिको एक्ट वॉज विदड्रॉन इन 1770 एंड हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन इंडियन गुड्स एंटरिंग वेस्टर्न मार्केट। ठीक है, इंडियन गुड्स जो थे उनके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दिया गया दैट वर एंटरिंग द वेस्टर्न मार्केट। इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स इंडियन टेक्सटाइल हैड टू कम्पीट विद द चीपर मशीन मेड ब्रिटिश टेक्सटाइल्स। इम्पोजिशन ऑफ हाई ड्यूटीज ऑल्सो मेड इट डिफिकल्ट फॉर द इंडियन एक्सपोर्टिंग इंडियन टेक्सटाइल। अब इतनी हाई ड्यूटीज लगाई जा रही थी तो इंडियन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे इंडियन टेक्सटाइल को। ठीक है, और साथ ही जो इंडियन टेक्सटाइल थे उन्होंने उनको कम्पीट करना पड़ा था ठीक विद मशीन मेड ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ। ठीक है, द इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली रिप्लेस इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन अफ्रीकन अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट। ठीक, उससे क्या हुआ, जो इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल थे उसने रिप्लेस कर दिया इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स को, कहाँ कहाँ पे, अफ्रीका में, अमेरिका में और यूरोप में। ठीक है, एडिशनली द ब्रिटिश पार्लियामेंट मेड एक्सपोर्ट ऑफ मशीन मेड ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या हो गया कि वहाँ से जो ब्रिटिश टेक्सटाइल थी वो इंडिया में आने लगी इन द एंड दैट वॉज सोल्ड इन द इंडियन मार्केट कंपल्सरी। ठीक, इट वॉज कंपल्सरी। ठीक, दिस रिजल्टेड इन अ चेंज ऑफ सीन, द कंपनी ट्रेडर्स रादर दैन purchasing Indian cloth for export now promoted the European cloth in Indian market for sale. ठीक है, पहले इंडिया से टेक्सटाइल जा रहा था यूरोप में, अब जब से ये कंपल्शन हो गया तो जो कंपनी ट्रेडर्स थे वो स्टार्ट करने लगे प्रमोट करना यूरोपियन क्लॉथ को। ठीक है, द एक्सपेंसिव हैंड मेड इंडियन क्लॉथ कुड नॉट कम्पीट विद द चीपर यूरोपियन टेक्सटाइल। ठीक है, हैंडमेड इंडियन क्लोथ वॉज एक्सपेंसिव और यूरोप की जो टेक्सटाइल थी दैट वॉज चीप, तो ये इंडियन क्लॉथ जो है वो कुड नॉट कम्पीट, इससे कम्पीट नहीं कर पाया यूरोपियन टेक्सटाइल वन।
दिस लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। थाउजेंड्स ऑफ स्पाइनर्स एंड वीवर्स इन इंडिया कुड नॉट सेल देयर गुड्स एंड बिकेम अनएम्प्लॉयड। पहले देखो उनके पास अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट था, दे वर हैविंग ग्रेट बिजनेस, मगर ड्यू टू द कमिंग ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, थाउजेंड ऑफ स्पिनर्स एंड वीवर्स लॉस्ट देयर जॉब एंड बिकेम अनएम्प्लॉयड। ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड द इंडियन मार्केट्स बट 1830s। ठीक, उससे क्या हो गया, इंडियन के जो क्लॉथ थे वो रिप्लेस कर लिया ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ ने, और सारी मार्केट में ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ को बेचा गया। ठीक, बाय द एंड ऑफ 1830s। मोर ओवर एज द कंपनी गेन मोर कंट्रोल इन इंडिया द रूलर्स लॉस्ट देयर पावर। ठीक है, उसके साथ ही जो जैसे कंपनी ग्रो कर रही थी, जगह जगह के जो रूलर्स थे इंडियन रूलर्स, उनकी पावर भी लॉस्ट हो गई। ठीक है, दिस अफेक्टेड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एज दीज रूलर्स हैव प्रोवाइडेड पैट्रोनेज टू मैनी आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट पीपल। अब इंडियन के जो रूलर्स थे, जब उन्होंने लॉस किया पावर, तो उनके अंडर जो आर्टिस्ट और क्राफ्ट पीपल थे उनका भी लूज हो गया काम। ठीक है, ठीक है, उससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे बहुत लॉस हुआ, देयर लाइवलीहुड वॉज लॉस्ट एंड मैनी शिफ्टेड टू विलेज फॉर एग्रीकल्चर। मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर सच एज ढाका इन द ईस्ट, पेटपुली, मासूलीपट्टनम इन द साउथ एंड वाराणसी इन द नॉर्थ बिकम डिजर्टेड। यहाँ से लोग चले गए विलेज में बिकॉज दे लॉस देयर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दे लॉस देयर जॉब एंड द इंडियन रूलर्स ऑल्सो लूज देयर पावर। इंडिया नॉट टर्न इंटू अ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब पहले ये एक फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर था, अब ये खाली बन गया एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इंडिया वॉज ड्रेन ऑफ इट्स वेल्थ वाइल द ब्रिटिश ट्रेड ग्रू एंड द ट्रेडर्स बिकेम रिच। ठीक है, इंडिया की सारी वेल्थ को ड्रेन कर लिया गया और ब्रिटिश का जो ट्रेड है वो स्टार्ट करने लगा ग्रो करना। ठीक है, और जो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो बिकेम रिच। दादा भाई नौरोजी द इंडियन नेशनलिस्ट एंड कॉटन ट्रेडर रोट अबाउट दिस ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ये पूरा जो डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके ऊपर एक बुक लिखी। ठीक है, एंड ही वॉज अ इंडियन नेशनलिस्ट, ही रोट अ बुक अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड इन अ बुक कॉल पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो अभी हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन द ईव ऑफ 19th सेंचुरी और डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, आप इसको रीड करो, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है।